आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। कहिए क्या काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अन्नू के साथ मसूरी चले जाएं। हम भीगेंगे तो लड्डू के भैया के साथ ही भीगेंगे। अगर बिबू चाहता है कि मैं अकेली चली जाऊँ तो मैं अकेले जाने की हिम्मत रखती हूँ। हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बताइए कहाँ जा रहे हैं। मसूरी। हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, नाग टिब्बा, वहाँ है। अबे क्या ठीका मलकानी यार, साला रात दिन हम क्या पत्ते खेलते रहेंगे? कुछ और मनोरंजन को जुगाड़ करो यार, मजा ना आ रही है इनमें अब। तो क्या करे बता, क्या करे? दरोगा जी नचाते हैं यहाँ पर? तू सारे हमें नचवाएगो, तू हमें नचवाएगो, तूने हमें क्या समझ रखो है? थाने में मुजरा करने वाली, तबायफ हो रहे हैं सारे हम। तबायफ? दरोगा जी तबायफ से याद आयो, गुलफाम कली को बुला लियो, महफिल जम जागी। सारे हर जो बताओ तुमने थाने को समझ कर रखो है? गुलफाम कली को नचवाओगे, तुम बड़े नवाब हो रहे हो। तुम सारे ठहर जाओ, तुम्हारी हम नवाब गिरी अभी ने कर रहे हराम। अप्पू सिंह। जैन साहब। जैन साहब जय हिंद। क्यों पीट रहे हो इन्हें? पीटे ना तो क्या करें, सारे आतंक काटे हैं थाने में। कबू कह रहे दरोगा को नचवा दो, कबू कह रहे गुलफाम कली को नचवा दो, हद करे सारे। इन्हें पीटने से कोई फायदा नहीं है, बड़े ही शातिर और चालाक लोग हैं ये लोग, इनसे पंगा मत लो। इन कमबख्तों ने अगर ठान लिया कि गुलफाम कली को पुलिस स्टेशन में नचवाना है तो ये उसे भी नचवा देंगे। बेहतर यही होगा कि इनको इनके मकान मालिक के पास वापस ले जाओ और उसे समझाओ कि इन्हें वो वापस रख ले। चलो भाई चलो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। आजा चलो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब हमें माफ कर दियो, हमने आपके साथ जो बदतमीजी की। सर सच बताएं आपको, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं दिल से। कमिश्नर साहब हमसे ना जे काम मजबूरी में होगो, हमें माफ कर दियो। सॉरी है। सॉरी सॉरी। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? अबू सिंह इन्हें पीछे के दरवाजे से ले जाओ। शुक्रिया कमिश्नर साहब। थैंक यू। अरे चलो ना मरो। अरे बाबू तुझे, बाबू तुझे आ रहे। तिवारी जी गला क्यों फाड़ रहे हैं? अरे यार ये हप्पू सिंह दरोगा पता नहीं कहां मर गया। 10 मिनट में गाड़ी लेकर आने वाला था, पट्टे का कोई अता पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कैसे ढीले और कमजोर लोग पुलिस महकमे में रखे क्यों जाते हैं। इस सिवाय पुलिस का नाम बदनाम करने का कुछ नहीं करते, दे गुड फॉर नथिंग। अरे हमें तो बहुत चिंता हो रही है, वो भाभी जी और अंगूरी पता नहीं किस हाल में होंगी। अरे जी मेरा भी सेम हाल है, मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि पता नहीं अनु और भाभी जी किस हाल में होंगे। आई एम रियली वरीड फॉर देम यार। अरे यार कब वक्त फोन ही नहीं उठा रहा है यार। अबे फोन उठा ले कम वक्त, फोन उठा ले। अरे फोन उठा ले कुत्ते, फोन उठा ले। अबे कुत्ते। अरे जी कुत्ता आ गया। ओहो कुत्ता है, क्या बेहूदगी है जो आ रही ना, छोड़ बिलबिलाता है इतनी। अगर बिलबिलाए तो क्या करें, क्या करें, नाचे गाए। हमारी बीवी मुसीबत में पड़ी हुई वहां पे और आप यहाँ पे अय्याशी करके आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तो हमें भी चिंता है गौरी मैम की और भाभी अंगूरी की भी है। और आप तो गाड़ी साथ लाने वाले थे, गाड़ी कहाँ गई? अरे यार जा जगह से हिलोगे तब गाड़ी मिलेगी ना, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है गुलफाम कली के कोठा के बाहर खड़ी है। ये लो ये गुलफाम कली का मुजरा देख के आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे ना ना भैया विभूति बुक्का है ससुर, अचानक गुलफाम कली के सर में दर्द होने लगो, हम गाड़ी लेके बस दवाई लेके बस आ रहे थे तो बाहर खड़ी कर दे। गुलफाम कली के सर की दर्द की बड़ी चिंता है,
हमारी दीदी तकलीफ में, परेशानी में, पता नहीं किस हाल में है, और आपको कोई चिंता नहीं उनकी? तो यार गाड़ी गुलफाम कली के कोठे के बाहर कहाँ खड़ी कर दी? अरे यार भाई इसे खड़ी कर दी, वो बारिश को मौसम है ससुर, चौक पे बहुत बड़ा गड्ढा होगा हुआ है, गाड़ी क्रॉस कराते सारी गाड़ी घुस जाती तो सारी चनान फैल जाती, काम खराब हो जाता। गड्ढे में डूब के मर क्यों नहीं गए आप? मीनल तू? अंकुरी जी उठिए। अजया, ये कौन सा जगह है नीता जी, हम कहाँ हैं? पता नहीं अंकुरी जी, लगता है कोई तहखाना है। अनु ये ना बहुत ही खतरनाक जगह है, पता है यहाँ पे ना भूत है, सरकटा भूत, अनुराग से पूछ लो, है ना अनुराग? सरकटा भूत? भूत भूत नहीं होता है कि कैसे हो सकता है? अनाया नीता जी, हम भी देखे थे उको, और उसको देखकर ही तो हम बेहोश हो गए थे, और अब होश आया तो यहाँ है। अरे देखिए ना इसको, कैसे गाड़ी चला रहे हैं यार, ठीक से चलाइए ना। इस बार स्लीपिंग है। ए अप्पू सिंह, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। कहूँगा? बिल्ली का ब्याह होगा। आगे देखिए, वहाँ देखिए। ए यार ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, जो घोड़े बैठ के सो रहे हैं आप? कमान। अच्छा वो गाड़ी यहाँ वहाँ नहीं गई, पर हम हजारों फीट नीचे गिर जाते खाई में। माय गॉड। सॉरी भैया विभूति, वो यार परेशानी में, मुसीबत में, और आपको नींद आ रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। इंसान है दादा। अरे इंसान नहीं है आप, हैवान है, हैवान। तुम सारे ज्यादा चबड़ चबड़ तुम सारे ज्यादा चबड़ चबड़ न करो, नहीं तो हमने शीशा खोल के तुम्हें फेंक दो, धक्का दे दो सारे। ऐसे है भैया विभूति, अब जब तक हम एक घंटा की नींद न ले लेंगे, हमसे गाड़ी न खींचेगी यार। एक मिनट बापू जी, आप गाड़ी रोकिए, आप चलाइए बापू जी, आप चलाइए। देखिए भाई मुझे गाड़ी चलानी आती है, आइडिया है मेरे को, लेकिन मैंने कभी पहाड़ों में गाड़ी चलाई नहीं, तो मुझे आइडिया कुछ नहीं है। अरे तो अब चला लीजिए ना यार, ये गाड़ी चलाएंगे तो हम चले जाएंगे, वह भाभी जी तक पहुँचना जरूरी है, पता नहीं किस हाल में होंगी। अच्छा एक काम कीजिए, आगे गाड़ी रोकिए, आगे रोकिए। उस प्यासी औरत ने अपने पति की आइटम का खून कर दिया। अरे राम रे, उसके बाद वो तड़कती रही, छटपटाती रही। क्यों रामलाल, कैसे हो? ठीक हूँ साहब। इस गेस्ट हाउस के सारे पेपर्स बनवा के लाया हो, सुबह मेरा वकील आएगा, चुपचाप इन कागजात पे साइन करना और इस गेस्ट हाउस से निकल जाना, समझे? ठीक है साहब, सुबह तो होने दीजिए। कमरा कौन सा खाली? 13 और 14 खाली है। चाबी दे। अबे जल्दी कर। भूलना मत, साइन करना और निकल जाना। मोहल्ले के लौंडे उसे बहुत लाइन मारते क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी। आए हाय साहब, आपके इस गेस्ट हाउस में अंगूरी और अनीता नाम की दो औरतें ठहरी हुई हैं, कौन से रूम में है वो? अनीता और अंगूरी नाम की कोई भी लेडी यहाँ पर नहीं रुकी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अपना रजिस्टर खोल कर तो देखिए। मेरा दिमाग ही मेरा रजिस्टर। इस गेस्ट हाउस में कोई चीटी भी घुसती है ना तो मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती। उन्होंने हमें ये बताया था कि नाग तिब्बा में कोई गुमनाम नाम का गेस्ट हाउस है। आई थिंक दिस इज द प्लेस। आप उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था।
अरे यार उनका फोन ही तो नहीं लग रहा है। उनका फोन नहीं लग रहा है तो क्या इसमें मेरी गलती है? ओ भाई साहब आप टेंशन ना लो। ओ भैया विभूति हम क्या कह रहे हैं यार, सुनो तिवारी भैया, जब तक भाभी अंगूरी गोरी मैम को फोन नहीं लग रहा हुआ है तब तक यही सर्किट हाउस में यार रुक लेते हैं यार। हम कसम से कह रहे हैं पूरा बदन दर्द कर रहा है, हमसे आगे नहीं चलो जा रहा हूँ। तिवारी जी आई थिंक ही इज राइट, आज रात ही गुजारनी पड़ेगी जी। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं। जरा हमें तीन रूम की चाबी दे दीजिए। एक ही रूम खाली है। एक रूम है तो तीन आदमी कैसे एडजस्ट करेंगे? और ये आदमी तो अनबेरेबल है, इनटॉलरेबल है। और इसके साथ सोना मतलब कि अपने आप को चोक कर देना रात को। आई कैन नॉट हैंडल दिस मैन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भाई हम भी इसके साथ नहीं सो सकते। ये तुम ठहर जाओ ससुर, हम आओ चरित्र चित्रण बाद में करिए। तुम ये बताओ सारे हम कहाँ जाएंगे? भुइया के खेत में। कब बोले तो? तुम आप दरोगा हप्पो सिंह जी है ना? आओ आओ। लगता है कमरे की किल्लत चल रही है। आप मेरे साथ आ जाइए, कुछ काम की बात भी करनी है आप। आइए 13 नंबर कमरा था, बहुत बढ़िया। आइए तुम जा सारे भुइया के खेत में। अब तो भैया अगर मालिश वालों को मिल जाए तो भेज दइए रूम में। कहाँ कहाँ मालिश चाहिए आपको? अरे यार चाबी भाई। Cheers. अरे आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ अब वर्दी में है क्या बताएं, लेकिन आपको पूरा साथ देंगे हम। लो लो। Cheers. गोलचा साहब आपको दिल से धन्यवाद है। हमने जीवन में ना सोची थी कि आप जैसे बड़े आदमी के साथ कब हम रूम शेयर करेंगे। ई नहीं पा रही तो कहा भाई सोचो। खैर छोड़ो, जो बताओ आपने हमें पहचानू कैसे हैं कि हम ही हप्पू सिंह हैं? अरे वो आपके एक बार अखबार में फोटो छपी थी ना, तभी पहचान लिया मैंने। जी मीडिया वाले भी ना पीछे पड़ जाते हैं, हमने कौन बड़ो केस सॉल्व कर दो सारे घर तक आ जाते हैं, फोटो छाप दो जो छाप दो वो। नहीं नहीं नहीं, उस फोटो के नीचे न्यूज कुछ और थी। अच्छा का न्यूज थी? वो आप किसी गुलफाम कली के कोठे पे रंगे हाथों पकड़े गए थे और कमिश्नर ने आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया था ना। क्या बताए गोलचा साहब, कभूं कभूं हो जाते हो ऐसे, आप तो समझते हो। होना चाहिए, इंसान को अपने अंदर का याश कभी नहीं मरने देना चाहिए। अरे मैं तो खुद बहुत बड़ा याश हूँ और अपने से बड़े याशों की बहुत कद्र भी करता हूँ। तो गोलचा साहब फिर जो बताओ, जब गेस्ट हाउस में भी कुछ व्यवस्था हो जाएगी? लेकिन आपको उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाउ हाउ? अरे आप आदेश करो। वो क्या है ना हप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ और ये रामलाल बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है। गोलचा साहब ऐसे रामलाल हमारी बगल में दबे हैं, आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो हमें का कन्या ससुर। बस फिर आप रामलाल को संभालिए, हम आपको संभालते हैं। गोलचा साहब आप बहुत बड़ी चिरांद हो। तो बताइए हप्पू सिंह जी कितना लेंगे? देखो गोलचा साहब प्रॉपर्टी को मामलो है तो क्या कहें ससुर, कम से कम 10 तो बनते हैंगे। ना ना थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी 7.5। कहोगे गोलचा साहब को है? I'm missing Bhabhi ji. I am also missing Bhabhi ji. यार ये अंगूरी और भाभी जैसा ना कहाँ गायब हो गई? अरे समझ नहीं आ रहा, ये दोनों गई तो गई। काश काश कि मैं अन्नू की बात मान लेता और उसके साथ आ जाता। एडजस्ट ना होता ये सब। अरे हमें तो यार उस पंडित ने मजबूर कर दिया कि हम जो है वो अंगूरी के साथ बारिश में भीग नहीं सकते, वरना अगर हमें पता होता कि अंगूरी ये हरकत करने वाली है तो हम बारिश में बेतहाशा भीगते भली मर क्यों ना जाते। आ,
जाएगी अंगूरी। भाभी जी, भाभी जी, किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई अनो गुमनाम है कोई किसको समझे ये क्या नाटक है यार? What is this? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें भाभी जी को? और तुम लोग यहाँ पे वो सफेद साड़ी पहनकर एवरग्रीन क्लासिक्स गा रही हो यार? किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हैं? अरे हम अपनी बीवी अनु की बात कर रहे हैं। आपकी बीवी अनु नहीं, मेरी बीवी अनु की बात कर रहे हैं। मतलब हम अपनी बीवी अंगूरी की बात कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी अनु बेबी की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बीवी अनु नहीं हूं। ओके, फाइन। और ना ही हम आपकी बीवी अंगूरी हैं। हम तो आत्मा है। अमित, और आत्मा का किसी से कौन और रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि आत्मा एक भूत होती है और भूत का वर्तमान से कोई रिश्ता नहीं होता। चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। चले जाओ, चले जाओ। अभी दोनों ने सफेद साड़ी पहनी हुई है, यू नो जो आत्माएं होती है ना अक्सर वो व्हाइट साड़ी ही पहनती है। इसका मतलब ये दोनों निकल ले? आई डोंट नो, धुआं और आम्बियंस तो ऐसा लग रहा है कि शायद निकल ले। अरे भाई, भाई साहब कहाँ है भूत? अरे कहाँ है को का मतलब भाई, ये तुम्हारे सर्किट हाउस में भूत देखो, हमने सर्किट उगाऊ और क्या, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे होटल। मैनेजर के बच्चे, तू तो कह रहा था कि तेरे होटल में अंगूरी और इंतजार कोई औरत नहीं ठहरी, झूठ बोल रहा था तू। अरे जबकि हमने अभी अभी उनकी आत्माओं को देखा है। पता पता तूने क्या किया हमारी बीवियों के साथ? बता बता क्यों मारा, क्यों मारा हमारी बीवियों को? सुनने सुनाने के लिए बचाई क्या आया? तूने तलपा तौला के हमारी बीवियों को मारा था, हम भी तुझे वैसे ही मारेंगे। तुझे पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। नहीं 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 भाई साहब, देखिए आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बचाओ, बचाओ, अब से कोई नहीं बच सकता। तिवारी जी, लेट्स किल हिम। नो नो नो, को मारो। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अली डिकी भैया रुक जाइए, वो मर जाएगा। नहीं, इसने हमारी अंगूरी और भाभी जी को मारा है, हम इसे छोड़ देंगे। हमें किसी ने नहीं मारा है, हम आपके सामने खड़े हैं, जिंदा हैं। हाँ, हम दोनों जिंदा हैं। बेबी, तुम जिंदा हो? अंगूरी, तुम जिंदा हो? ये क्या नाटक है फिर यार? भाई साहब, ये दोनों भाभियां तो हमारी मदद कर रही थी। कैसी मदद? भाई साहब, वो जो बिल्डर आया था ना, उसकी हमारे गेस्ट हाउस पे गंदी नजर थी, वो हमसे जबरदस्ती एक गेस्ट हाउस हथियाना चाहता था। फिर हमने अपने वॉचमैन दोनों भाभियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, सिर्फ यही एक तरीका था उसे यहाँ से भगाने का, सच्ची माँ कसम। ये एकदम ठीक कह रहा है, बिल्कुल सच। बिल्डर को भगाने के लिए हमने ये नाटक किया और बिल्डर को भगाने का सिर्फ यही तरीका था। हमें लगा कि रामलाल एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसकी मदद की। बेबी, मैं तो तुम्हारे बगैर टूट ही गया था। I was like a broken man. हमारी तो जान ही निकल गई थी पगली। अनु,
अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा. एटलीस्ट आई ट्राई. इट्स नो हार्म इन गिविंग इट अ शॉट. और हम भी तुम्हारे साथ बारिश में जम के भीगेंगे पगली. क्या हमारी जान ही क्यों ना चली जाए. तो अच्छा ठीक बा. हेलो जी. अच्छा पंडित जी का फोन था. I'm sorry. Really sorry. Come on, Anu baby. बारिश में भीग के हम और तुम ट्रांसपेरेंट हो जाएं. मैं चली लेती हूँ कि भैया हम भी ट्रांसपोर्ट हो जाएं. वो ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसपेरेंट होता है पगली. सही पकड़े हैं.